हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के छोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर रियलमी मोबाइल में कोई लैंग्वेज डिलीट नहीं हो रहा है तो कैसे डिलीट करेंगे। तो गाइस, मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा, आप किसी न किसी तरीके से डिलीट कर पाएंगे। तो गाइस, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, मैं आपको दो से तीन तरीका बताऊँगा, आप किसी न किसी तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग में जाना है, फिर आपको आना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, जहाँ पर सभी ऐप्स रहती हैं या एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। फिर गाइस, आपको ऊपर की साइड दो डॉट पे क्लिक करना है, फिर शो सिस्टम पे क्लिक कर देना है। अब गाइस देखिए, सर्च बार में क्लिक करके लिखना है जी बोर्ड। जैसे आप जी बोर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी बोर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको क्लियर कैच और क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। क्लियर डेटा जैसे ही कर देंगे सभी लैंग्वेज डिलीट हो जाएगी। तो गाइस, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है, फिर आपको आना है नीचे और यहाँ पर देखिए ऐप मैनेजमेंट के नीचे एडिशनल सेटिंग्स मिल जाएगी, चेक कर लेना, या आपके फ़ोन में नीचे ऊपर भी हो सकता है। तो आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक करना है, या कीबोर्ड नाम की सेटिंग मिलेगी, इस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको जी बोर्ड पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज पे क्लिक करना है। फिर इस पेंसिल वाले आइकन पे ऊपर क्लिक करना है। फिर जो जो डिलीट करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं तीन को कर लिया, अब डिलीट पे क्लिक करता हूँ। देखिए दो बचा है, तीन डिलीट हो चुका है। इसी प्रकार आपके पास बहुत सारा रहेगा तो सभी को डिलीट कर सकते हैं। फिर आते हैं, देखिए कीबोर्ड को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो भाषा ही केवल बचा है। तो गाइस, एक और तरीका है डिलीट करने का। देखिए, अगर आप कीबोर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर अगर कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता, लेकिन अगर कुछ भी लिखते नहीं हैं तो टी के ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन है, आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको लैंग्वेज पर क्लिक करना है। फिर आपको इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, डिलीट हो जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू।